हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 का नॉवल सिलास मानर का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे गॉडफ्रे डंस्टन पे गुस्सा करता है और अपना सबसे प्यारा हॉर्स बेचने के लिए भी डंस्टन को दे देता है। अब डंस्टन उस हॉर्स को बेचने के लिए दूसरी ही सुबह निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसे सिलास का घर दिखता है और उसे लोगों की बातें याद आती है कि सिलास के पास गोल्ड कॉइन ही हैं काफी सारे। तो डंस्टन सिलास से कुछ लोन मांगने की सोचता है, लेकिन फिर वो ये आइडिया को ड्रॉप कर देता है। सिर्फ अपने भाई को हर्ट पहुंचाने के लिए उसके प्यारे हॉर्स वाइल्ड फायर को बेचकर वो इसका इरादा बना लेता है। हॉर्स का सौदा हो जाता है, लेकिन डंस्टन उसे तुरंत नहीं भेजता। वो हॉर्स के साथ थोड़ा एंजॉय करना चाहता है और हंटिंग करना चाहता है। वो हॉर्स को फेंस के ऊपर से बार बार जंप कराता है और फिर एक बार गलती से हॉर्स एक स्टेक पे गिर जाता है और वो मर जाता है। अब वो डंस्टन वापस से अपने घर की तरफ चल देता है और फिर से सिलास का घर उसे दिखता है। वो अपने आप को सोचता है कि वो जाके सिलास से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन इत्तफाक से घर का दरवाजा खुला रहता है और डंस्टन इसका फायदा उठाता है और गोल्ड क्वाइन से भरा बैग खोजकर उसे लेके कहीं भाग जाता है। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगा। सो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।